प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सहारा में पैसा निवेश किया है और आप काफ़ी दिन से भटक रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी कि आप अपना पैसा कैसे वापस ले सकते हैं। क्योंकि पूरे इंडिया में सहारा का पैसा फिक्स हो रहा था, जमा हो रहा था, जो भी स्कीम पॉलिसी थी लोग कर रहे थे, लेकिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो सहारा कंपनी जो है वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार ने उन्हें तलब किया है, लखनऊ से जो है सुब्रत राय जो सहारा के प्रमुख हैं उनको गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया था। तो हालांकि सरकार काफ़ी मदद कर रही है और आपका पैसा भी मिलने के लिए एक माध्यम है जिसको ओपन कर दिया गया है, वो आपको करने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पैसे जल्दी मिल सकते हैं, वरना आपको और भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर वन। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया है तो कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। साथ में ऐसी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सहारा इंडिया के कई ग्रुप कंपनियों में बहुत सारे निवेशकों का ढेर सारा पैसा फंसा हुआ है, पर इस मामले से सरकार एकदम बेखबर है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दी। उन्होंने कहा कि सहारा जो है विभिन्न इकाइयों द्वारा भुगतान न करने के कारण व्यक्तिगत निवेशों से प्रभाव से संबंधित कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं की है। वित्त मंत्री 12 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस मामले में सहारा इकाइयों की तरफ से भुगतान, वित्त मंत्री के सवाल जो जवाब दे रही थी, यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सहारा समूह अपने करोड़ों निवेशकों के पैसे के भुगतान में देरी कर रहा है, जिससे देश के कई गरीब किसान मजदूर शामिल हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बना रही है ताकि गरीब किसानों को फायदा मिल सके या फिर उनका पैसा वापस हो सके। तो करोड़ों लोगों के पैसे फंसे हैं। वित्त मंत्री द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRECL में 2.33 करोड़ निवेशकों ने यहाँ पर देख सकते हैं आप 1,94,087 करोड़ रुपए हैं। साथ में सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 75 लाख निवेशकों को 6,380.50 करोड़ रुपए जमा हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे रिफंड कई सालों से अटके हुए हैं, लेकिन यहां पर ये कहानी सुनने से कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दे पर आते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीता निर्मला जी, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 के आदेश के अनुसार SIREECL यानी कि SHICL की प्रोमोटरों के निवेशकों के आदेश तारीख के 3 महीने के भीतर सेबी के पास जो है 25,781.37 करोड़ रुपए कुल राशि जमा के लिए हैं। और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सहारा समूह के सेबी के पास 15,552.59 करोड़ रुपए जमा किए थे। अब यहाँ पर मुद्दे की बात आती है कि आपका पैसा कैसे मिल सकता है। तो पैसे मिलने के लिए आपने जिससे पैसे डिपॉजिट करवाए थे, जिससे निवेश करवाए थे, जो आपके एजेंट थे, उनसे आपको मिलना है। अपने डॉक्यूमेंट लेके आपको सहारा कार्यालय में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा जल्दी मिलेगा, और अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो पैसा इतने जल्दी नहीं मिलेगा। हालांकि इस विषय में सरकार के तक बात पहुँच गई है, सरकार भी प्रयास कर रही है आप लोगों को पैसे जल्दी मिल जाएंगे। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो भी वीडियो पे आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए जो भी उपयोगी होंगी यहाँ पर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।